जयश्रीबेन पटेल। धन्यवाद माननीय अध्यक्षा जी। जैसे कि आज पृथ्वी दिन है और पूरे सदन को आपने संबोधित भी किया है, मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगी कि इस महत्वपूर्ण विषय पर मुझे बोलने का मौका दिया। आज 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस है और आज का दिन हमारा पृथ्वी के प्रति प्रेम, आत्मचिंतन और संजीदित का दिन है। पृथ्वी हमारे जीवन का केंद्र है, इसलिए इसे महज एक दिन के लिए याद करके अपने कर्तव्यों की इतनी सी नहीं की जा सकती। पिछली सदी में बड़े पैमाने पर पर्यावरण संरक्षण हुआ और इसके नए दशक तक विकासशील देशों और छठे सातवें दशक तक विकसित देशों में वायु प्रदूषण और ट्रैफिक की समस्या शायद ही देखी गई। आठवें दशक के अंत तक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को गंभीर मामले के रूप में देखना शुरू हुआ। ओजोन परत के संरक्षण के अलावा पिछली सदी में बड़े पैमाने पर पर्यावरण संरक्षण भी देखा गया है। लगभग 80% उपभोग की वस्तुएं, मसलन जीवाश्म ईंधन से लेकर स्टील, एल्यूमिनियम, तांबा जैसे खनिजों और कार जैसी चीजों का उपभोग विकसित देशों के 20% आबादी कर रही है। आज इन्हीं सब का नतीजा जलवायु परिवर्तन और ओजोन परत के क्षरण के रूप में दिखाई दे रहा है। आज मानव लोभ से धरती के संसाधनों का क्षय और संरक्षण जारी है। प्राण वायु दमघोटू हो चली है। अमृत समान जल मौत और रोगों की बड़ी वजह बन चुका है और हमारी पृथ्वी को विषैले रसायन से नष्ट होती जा रही है। प्राकृतिक आपदाओं की आवृत्ति और आकार में इजाफा हो रहा है। माननीय अध्यक्षा जी, धरती पर बढ़ते इन खतरों ने जनजीवन पर अपना दुष्परिणाम डालना शुरू किया है, तो इंसान को चेतना आई है। यह बढ़ता हुआ तापमान केवल इंसानी जीवन पर ही असर डाल रहा हो ऐसा नहीं है, इसका असर हमारी फसलों पर भी माननीय अध्यक्षा जी पड़ रहा है। हमारे हम सबके लिए एक गौरव की बात है कि हमारे विजनरी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने बीते सप्ताह एयर क्वालिटी इंडेक्स का प्रारंभ करवाया। अमेरिका, चीन, मेक्सिको और फ्रांस के बाद भारत पांचवा देश बना जहां यह तय होगा कि हवा श्वास लेने लायक है कि नहीं। मैं सरकार से प्रार्थना करना चाहती हूं कि जैसे इस अच्छे कदम के साथ सरकार आगे बढ़ रही है, 15 साल पुराने वाहनों पर रोक लगाई जाए। इसके साथ ही ग्लोबल वार्मिंग तथा प्रदूषण को रोकने के लिए कार्बन उत्सर्जन कराने के लिए कार्बन रहित व न्यूनतम कार्बन उत्सर्जन पर आधारित तकनीकों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, जैसे कि सोलर सेल, कोयला और अन्य जीवाश्म आधारित ईंधन का इस्तेमाल कम किया जाए। धन्यवाद।